दिल्ली में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए सुबह आरके फाउंडेशन फॉर लाइफ द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन छतरपुर में किया गया, जिसमें बच्चों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज के लोगों से भागीदारी बढ़ाने की अपील की गई है और कहा गया है कि इस महादान में रक्तदान कर मानव सेवा करने का मौका हासिल करें। बताते चलें कि ये बीमारी आमतौर पर बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। इस मुहिम में साथ देने के लिए साउथ दिल्ली के कई सामाजिक संगठन एकजुट नजर आए और उन्होंने मिलकर आपसी भागीदारी के थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने के लिए एक मंच से अपनी एकता को भी दर्शाया है। सर, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए जो है आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आरके फाउंडेशन लगातार पिछले कई सालों से काम कर रही है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? काम तो ये शुभ कर रहे हैं, समाज के हित का काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं। कई वर्षों से ये तो आप इस संस्था के द्वारा करने लगे, नहीं तो ये तो मैं तो इनको जब से जानता हूँ बादल शर्मा जी को, तब से ये व्यक्तिगत भी लोगों की मदद करते रहे हैं शुरू से। जिस तरह पार्टी माइंड्स के जो है बच्चों को भी आपने चेक से प्रदान करें उनके लिए, जिससे पार्टी माइंड्स में भी सचमुच जरूरतमंद आदमी वहाँ पर रहते हैं और ख़ासकर जो पाकिस्तान से आए हैं और जो हिंदुस्तान आए हैं और वो हिंदुस्तान की नागरिकता जिन्होंने ले ली है, मैं तो ये कहूँगा वो जी गए। एक अजीब वहाँ का माहौल था, उसमें रह करके अजीब किस्म की बीमारी वहाँ पे पनपने लगी थी, तो जो हिंदुस्तान आ गया हमारे हिंदुस्तान हिंदू भाई वो जी गया है भारत में आकर के, तो उनके लिए भी बादल शर्मा जी जो काम कर रहे हैं और हम भी जुड़े ही रहते हैं कहीं ना किसी न किसी के साथ मिलकर के, फ्रंट पे ना आकर के बैक से भी पुष्पा जी हमारी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की और हम ही उनको दलीप और ये अपने ऐसी खामरा जी ये सारे मिलकर के वहाँ पे लोगों की भलाई के लिए काम करते रहते हैं। बहुत बड़ा एक संदेश है कि हम सब लोग मिलके इस बीमारी के प्रति लड़ रहे हैं और सबके सहयोग से ही ये इतने अच्छे से संभव हो पा रहा है और एक जन जागरण की स्थिति बन रही है। इतनी संस्थाओं के सहयोग के साथ ही इतना बड़ा आयोजन संपन्न हो पा रहा है, तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि सब मेरे साथ इस प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आगे भी इसी तरह आप 100% और मैं तो चाहूँगा कि और लोग मुझे इसमें सहयोग करते रहें और मैं सभी लोगों का इतना आभारी हूँ कि इन लोग के सहयोग से ये संपन्न हो पा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो रक्तदान महादान जिसने भी कहा होगा बहुत बड़ी बात कही है, तो रक्त जितना दान कर सकते हैं जिससे इन बच्चों को और ऐसे तमाम बच्चों को आगे इलाज में तकलीफ न आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।